सहारनपुर के किशनपुरा इलाके के प्रतिष्ठित व्यापारी और समाज सेवी सौरभ बब्बर जो साई ज्वेलर्स के स्वामी थे व श्री साई परिवार समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कर्ज के बोझ से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बीते दिन उनका शव हरिद्वार के रानीपुर मोड़ कोतवाली क्षेत्र में गंगा नहर के पास मिला, जबकि उनकी पत्नी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सौरभ बब्बर के पास से बरामद सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी और कर्ज में फंसे होने की बात लिखी है। इस घटना से सहारनपुर के व्यापारी और समाज सेवी वर्ग में गहरा शोक व्याप्त है। आज 13 अगस्त दिन मंगलवार को सौरभ बब्बर की रसम पगड़ी यानी शोक सभा खेमका सदन में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोक सभा में आए लोगों ने सौरभ बब्बर की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर परमात्मा से उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की और शोक जताया। इस अवसर पर श्री साई परिवार समिति के सभी सदस्य भी उपस्थित थे। शोक सभा में सौरभ बब्बर की 12 वर्षीय पुत्री श्रद्धा बब्बर का रो रोकर बुरा हाल था, जबकि 7 वर्षीय पुत्र संयम बब्बर के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। सौरभ बब्बर, जो सहारनपुर में गोल्ड कमेटी के एक प्रमुख जाने माने नाम थे, अपने नेक कार्यों और समाज सेवा के लिए भी जाने जाते थे। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने लेनदारों को अंधाधुंध ब्याज चुकाया, लेकिन अब वे और भुगतान करने में असमर्थ हो गए थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनके दोनों बच्चे अब नानी के पास रहेंगे, क्योंकि उन्हें अब किसी और पर भरोसा नहीं है। सौरभ बब्बर की हुई ये असमयिक मृत्यु ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे सहारनपुर को झकझोर कर रख दिया है। वे एक व्यवसायी होने के साथ साथ एक समर्पित समाज सेवी भी थे। उन्होंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर श्री साई परिवार समिति की स्थापना की थी, जिसमें वे समिति के साथ मिलकर गरीबों के लिए साप्ताहिक लंगर, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन, गरीब कन्याओं के लिए विवाह का खर्च और बच्चों की शिक्षा के लिए फीस का प्रबंध जैसी कई महत्वपूर्ण समाज सेवी गतिविधियों का संचालन करते थे। विधायक राजीव गुम्बर ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सौरभ बब्बर का यह कदम उठाना बेहद दुखद है। अगर उन्होंने यह निर्णय लेने से पहले मुझसे, अपने मित्रों, परिजनों या फिर समाज के अन्य गणमान्यों से अपनी तकलीफ साझा की होती तो हम अवश्य ही उनकी समस्या का कोई ना कोई उपाय निकाल सकते थे। सौरभ जैसे नेक और सरल व्यक्तित्व की कमी समाज में हमेशा खलेगी। वहीं महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सौरभ बब्बर एक समाज सेवी और समाज को समर्पित व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते थे। उनकी इस हुई असामयिक मृत्यु से समाज को एक बड़ी क्षति हुई है। हमें उनके द्वारा किए गए समाज सेवी कार्यों को याद रखना चाहिए और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने भी शोक जताते हुए कहा कि सौरभ बब्बर एक सरल और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने समाज के लिए कई बार निस्वार्थ भाव से काम किया। उनकी मृत्यु से समाज में एक ऐसी कमी हो गई है जिसे पूरा करना मुश्किल होगा। हमें उनको याद रखते हुए उनकी स्मृति में समाज सेवा के कार्य जो वो चला रहे थे उनको जारी रखना चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सिटी वेब न्यूज भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्मा को वह अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति।